तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे दो लैपटॉप के बारे में, आपको बताएंगे कि ज़्यादा बेटर लैपटॉप कौन सा है, या आपको अगर गेमिंग आपको गेमिंग सीरीज में जाना है या फिर आपको गेम खेलना है तो मैं दोनों लैपटॉप के बारे में, दोनों लैपटॉप मैंने पहले सेटअप करके रखा हुआ है और ऑन है और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग देखते हैं लैपटॉप के बारे में क्या है नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर इस लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है आपका आसुस TUF गेमिंग करके है, जो कि आपका राइजन 7 प्रोसेसर 4000 सीरीज का आता है, मतलब 4800H का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जितना भी स्पेसिफिकेशन है सारे यहाँ पर। आपका डुअल 83 ब्लेड फैंस है, मतलब कि डुअल फैंस है। पीछे में आपका सेकंड SSD स्लॉट है, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं कि स्लॉट को बढ़ा सकते हैं, बेसिकली SSD आप कार्ड एक और लगा सकते हैं पैरेलल में इसका। अच्छा, इसमें वाईफाई 6 सर्टिफाइड है, मतलब 6 सपोर्ट वाईफाई है। फिर उसके बाद 2-way ऑल नॉइज़ कैंसिलेशन, बेसिकली इसमें आपका नॉइज़ कैंसिलेशन भी दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पर रैम है, आप चाहें तो रैम भी बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें मिलिट्री ग्रेड है, और यहाँ पे क्या है आपका NVIDIA ग्राफिक्स है 4GB का GeForce RTX, और यहाँ पे HDMI वगैरह सब है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं AMD Ryzen 7 सीरीज़ है। अच्छा, इस लैपटॉप के बारे में और क्या खास बात है कि 144Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, और 8 कोर्स आपका इसका प्रोसेसर में है, 8 कोर्स, ठीक है। ये आपका ASUS का है, और इसमें RGB कीबोर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे RGB कीबोर्ड है। तो ये एकदम न्यू लिए हैं, ज़्यादा नहीं, ये 1 वीक हो रहा है। और इसका जैसे कि हम एक वीडियो और बना चुके हैं शॉर्ट्स में कि इसका आप RGB कीबोर्ड का कि कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि F1, और ऐसे करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। फिर से आप ऐसे लीजिए, चेंज कर दीजिए। तो एक सेटिंग यहाँ पर भी आपको हम चलिए बता दिए, आप और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसका स्क्रीन साइज़ कितना है। तो इसका 17 इंचेस का स्क्रीन है आपका इसका। यहाँ पे एक आपको कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट अराउंड आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर आप हम तो ऑफलाइन ही ले लिए थे इसको, तो 80,000 पड़ता है इसका आपको। तो अगर इसका हम लोग ग्राफिक्स की बात करें तो देखिए, अभी जो इसका ग्राफिक्स है तो कुछ ग्राफिक्स का सेटिंग यहाँ से खुलता है। क्या क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे NVIDIA का सेटिंग्स आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद खुल गया। उसके बाद क्या करना है, अब आपको ग्राफिक्स सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वाला ग्राफिक्स चलाना है, यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें दो ग्राफिक्स है, एक आपका ये वाला है NVIDIA GeForce RTX 3050 जो लैपटॉप में अंदर है, जो दिया हुआ है, और एक आपका AMD Radeon TM ग्राफिक्स है जिसके ऊपर अभी लैपटॉप का डिस्प्ले है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि अभी, और इसमें क्या एक ऑप्शन भी है ऑटो सेलेक्ट का, कि आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ग्राफिक्स आपको प्रीफर्ड करना है। तो देखिए, ऑटो सेलेक्ट में क्या है कि अगर आपका जैसा गेम चलेगा, तो अगर गेमिंग खेलिएगा तो ये क्या करेगा, लैपटॉप ऑटोमेटिक आपका NVIDIA GeForce RTX पर ले जाएगा, ठीक है। अगर आप गेम नहीं खेलिएगा तो आपका CPU ग्राफिक्स पर चलेगा, जो कि आपका Radeon का है। तो ऐसा आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेड ये है कि हम ऐसा बोलेंगे कि हमेशा आप ऑटो सेलेक्ट पर रहने दीजिए, ताकि लैपटॉप अपने कंपेटिबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर ले कौन सा ग्राफिक्स उसको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ देख लिए हम लोग, आपका विंडोज़ 11 है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, इस लैपटॉप की। तो ये आपका HP Pavilion गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं कि ये राइजन 5 सीरीज़ है, 4000, यहाँ पे राइजन 5 फिफ्थ जनरेशन वाला है, 4000 सीरीज़ है। इसमें भी आपका NVIDIA GeForce GTX दिया है, ठीक है। इसमें आपका RTX दिया था, और इसमें आपका GTX दिया है। बेसिकली अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो RTX इज़ स्लाइटली, मतलब कि 2x बेटर देन द GTX। इसमें रैम की बात करें तो 4GB है रैम, अगर इसकी ग्राफिक्स, सॉरी 8GB रैम है इसमें, और इसमें भी आपका 8GB रैम है। इसमें आप ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें ग्राफिक्स कितना है, 1650 ग्राफिक्स है, और इसमें 3050 ग्राफिक्स है। अगर इसकी बात करें हम लोग ग्राफिक्स में, कितना जीबी NVIDIA ग्राफिक्स दिया है, 4GB दिया है। इसमें भी आपका 4GB दिया है, लेकिन परफॉर्मेंस जब आती है तो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है GTX एंड RTX पर, तो RTX इज स्लाइटली बेटर देन GTX। तो अब आप देख सकते हैं ये HP Pavilion है, आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे HP का ये, इसका स्क्रीन साइज़ कंपेरेबली थोड़ा छोटा है इससे। ये 17 इंच है, ये शायद अप्रॉक्स 16 इंच के आसपास का होगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका RGB कीबोर्ड नहीं आता है, इसमें आपका यूनिक, मतलब कि बेसिकली बोल सकते हैं आप सिंगल कलर आता है, ये जो आपका नज़र आ रहा है आपको। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये अभी थोड़ा स्लिप मोड में, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये पूरा आपका कम्प्लीटली RGB कीबोर्ड के साथ आता है, देख सकते हैं आप।
ये आसूस वाला जो 80,000 वाला है, अगर इसका बात करें हम लोग तो इसका क्या कॉस्ट पड़ता है, 950,000 के आसपास पड़ जाता है, आपको गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा बेसिकली। अगर इसमें बात करें हम लोग तो इसमें जो है आपका एसी पेविलियन में इसमें सारा सारा चल माइनक्राफ्ट चल जाता है ना, और आपका अगर बात करें माइनक्राफ्ट भी चल जाएगा और पबजी पीसी वगैरह भी आप खेल सकते हैं, बीजीएमआई इम्यूलेटर तो खेल ही सकते हैं, प्लस आपका वैलोरेंट भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट भी देखिए चल रहा है, कितना स्मूथली चल रहा है इसमें माइनक्राफ्ट। ये आपका एचपी पेविलियन वाला जो आपको दिखाए थे वही है, इसमें माइनक्राफ्ट खेल के भी दिखा दे रहे हैं। अभी आसूस वाला में क्या है कि उसमें अभी कुछ भी गेम डाउनलोड नहीं किए हैं, न्यू है ना वो एकदम, अभी नहीं डाउनलोड किए हैं, काफ़ी चाहिए वाईफाई वगैरह लग जाए घर में तब उसके बाद डाउनलोड करेंगे। इसमें आपका अभी माइनक्राफ्ट चल रहा है, देखिए कितना अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है एकदम, आप देख सकते हैं कीबोर्ड का। ये एचपी पेविलियन ये 49,000 वाला है, ऑलरेडी वीडियो में आपके इसका स्पेसिफिकेशन सब बता चुके हैं, देखिए कितना अच्छा चल रहा है इसमें। अच्छा इसमें एक डाउट रहता है सबको कि ये चार्जर जो है ये लगा के खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये चार्जर से परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ता है, अगर इसको हटा दीजिएगा तो परफॉर्मेंस जो होता है वो अल्टर होता है, डाउन करने लगता है लैपटॉप का। तो चार्जर में लगा खेलिएगा तो थोड़ा परफॉर्मेंस देता है, सप्लाई थोड़ा करेंट का बढ़ता है इसलिए। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा आपको, ठीक है। अगर बात करते हैं हीटिंग की तो देखिए, अगर बात करेंगे हीटिंग की तो हीटिंग में क्या होता है कि जो भी गेमिंग लैपटॉप है वो बेसिकली हीट करता ही है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होगा, हीट करेगा ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग पैड लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में एसी है, जैसे मेरे घर में एसी है लेकिन तो हम उसमें जाके खेलते हैं, बेसिकली नया लैपटॉप है तो अभी हम खेल नहीं रहे, तो अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं इंस्टॉल कुछ भी नहीं किए हैं अभी हम लोग। तो अगर आपके घर में एसी है तो इट्स बेटर, तो अगर आपके घर में नहीं तो आप कूलिंग पैड भी लेके खेल सकते हैं। बेसिकली इसमें फ़ैन देता ही है, डुअल फैन है, तो डुअल फैन उतना बेसिकली हम बोलेंगे उतना इफेक्टिव नहीं होता है बस, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली जो अगर फ़ैन नहीं है जिसमें फ़ैन है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर आप देख सकते हैं दोनों लैपटॉप का साइज़ देख सकते हैं क्या है, ओवरव्यू देख लीजिए आप दोनों लैपटॉप का क्या नहीं है, ठीक है, ओवरव्यू देख लीजिए। अब बात करते हैं कि मेरे पास एक पीसी भी है, अगर आप पीसी का दिखा सकते हैं तो यहाँ देखिए पीसी भी है, यहाँ पर हम एक पीसी भी लेकर रखे गए, तो यहाँ पर आप पीसी का देख लीजिए, ये पीसी है मेरा, बेसिकली काफ़ी थोड़ा अनवांटेड चीज़ यहाँ पर है। तो मेरे पीसी की बात करें तो इसका मदरबोर्ड आपका ज़ेब्रोनिक्स का है, एलजी का है, बेसिकली सारा जितना है सब कुछ असेंबल्ड है, जितना भी मेरे पीसी में सब कुछ असेंबल्ड है। गेमिंग सीरीज में अच्छा लैपटॉप लेना है तो अगर आपका बजट अगर अप्रॉक्स 70,000 के आसपास है तो हम बोलेंगे कि आप थोड़ा अगर 70,000 लगा रहे हैं थोड़ा सा और लेकर के आप क्या कर सकते हैं कि इस सीरीज में आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है कि एक एचपी का ओमेन भी आता है, ओमेन जैसे कि एचपी का पेविलियन है तो एचपी का ओमेन आपका अराउंड 70,000 में आपका वो भी लैपटॉप आ जाता है, तो आप वो भी लेकर के इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि उसमें i7 इंटेल का है, अगर आपको गेमिंग सीरीज में जाना है तो इंटेल से स्लाइटली एक स्टेप अहेड है आपका राइजन का बेसिकली प्रोसेसर जो होता है, वो राइजन बेसिकली गेमिंग ओरिएंटेड बनाया गया है आपको प्रोसेसर को। अगर आपको अगर आपके माइंड में आता होगा नहीं हम मैकबुक लेके गेम खेल लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मैकबुक बेसिकली एक ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। और अच्छा मैकबुक क्या होता है ना कि थोड़ा ऑफिशियल वर्क थोड़ा शो ऑफ के लिए भी होता है। अगर आपको ये सब अगर लैपटॉप अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आप ऑफिशियल वर्क कर भी सकते हैं और साथ में आप इंजॉय भी कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं अपने लीजर और फ्री टाइम में। और अगर आप बात करते हैं पीसी की तो पीसी का देखिए क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा स्पेसियस मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, स्पेस कंज्यूम करता है बेसिकली। एक हमको टेबल इसके लिए डिज़ाइन कराना पड़ा, एक टेबल बनवाना पड़ा था उसके लिए, तब आपको पीसी अब बहुत सारा अनवांटेड चीज़ भी यहाँ पर। तो देखिए स्पीकर सब लेना पड़ता है पीसी के लिए, तो थोड़ा मतलब कि झंझट रहता है इसमें। लैपटॉप में क्या है कि छोटा ही सा जगह में हम लोग रख लिए। अब बात करते हैं कि एक रहता है लोगों को कि जैसे पीसी में आपको क्या होता है कि वायर्ड माउस आता है, ठीक है, वायर्ड वाला माउस आता है। हम लोग लैपटॉप में क्या कर सकते हैं कि वायरलेस माउस भी यूज़ कर सकते हैं। आप आजकल हर कुछ वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, मैकेनिकल कीबोर्ड, मैकेनिकल माउस वगैरह सब कुछ हम लोग जॉयस्टिक वगैरह यूज़ करते हैं गेमिंग वेमिंग के लिए। अगर आपको चाहिए कि वायर नहीं देखें जा रहा तो आप क्या कर सकते हैं, वायरलेस माउस यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस माउस कैसा होता है तो दिखाया जाता, तो देखिए वायरलेस माउस में बेसिकली ये क्या होगा कि आपको वायरलेस कनेक्टर को लगाना पड़ता है, ये वाला, ये एक वायरलेस कनेक्टर है जो कि अराउंड कितना में आता है, 700 to 800 में आपका ये वाला कनेक्टर आ जाएगा।
और एक अब ये आपका माउस आता है बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस के साथ ही कनेक्टर, माउस के साथ ही कनेक्टर है बेसिकली। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो आपका ऑन ऑफ का बटन है, जैसे ही वो कनेक्टर को कनेक्ट कर लीजिए उसे, और आपको यहाँ ऑन और ऑफ करना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो लैपटॉप ले लेगा। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, दिखाओ जरा यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना स्मूथ काम वाला। लेना चाहते हैं आपका बजट क्या है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप 70 से ऊपर जा सकते हैं, 80 तक जा सकते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। इट्स मतलब बेस्ट है, 80,000 में बेस्ट है, ठीक है। अगर 1 लाख के अंडर लेना तो बेस्ट है ये। हम चाहते तो मैकबुक भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैकबुक में क्या मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है बेसिकली, वो सिर्फ ऑफिस ओरिएंटेड है। तो ये बेस्ट है, और ये भी आपको ले सकते हैं। आप 50,000 के आसपास के बजट है तो आप ये भी ले सकते हैं, तो आप ये भी ले लीजिए। जैसे कि आपका बजट रहेगा वैसे ही है। जैसे कि स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे इसके स्पीकर भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये इसका है स्पीक पेविलियन के स्पीकर, देखिए इसका स्पीकर यहाँ पर दिया है, TUF गेमिंग लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर हो गया। अब दोनों का बैक में दिखाते हैं आपको कि बैक में क्या है। अब देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी खोज रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये जरा बैक की बात करें तो इस टाइप का कुछ आपको मिलेगा, ऐसा सिंबल मिलेगा TUF गेमिंग का। अच्छा TUF का TUF बेसिकली अगर आप आसूस कर लेते हैं तो एक रॉग का स्ट्रिक्स भी आता है, वो भी आप लैपटॉप ले सकते हो, वो भी गेमिंग सीरीज के लिए ही है। हम TUF वाले लिए ज़्यादा बेटर है बेसिकली। रॉग जब स्ट्रिक्स वाले लेंगे तो यहाँ पर आपका वो डिजाइन बना रहेगा रॉग का, ठीक है। तो आसूस का वो उसमें भी लाइटनिंग होता है, पहले क्या होता था कि इसमें भी लाइटनिंग आता था, अभी नहीं दे रहा है इसमें लाइटनिंग। तो इस टाइप का आपको यहाँ पर कुछ कुछ इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि आपको चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें, इसमें क्या होगा, इसका भी आपको बैक दिखाते हैं। तो इसका बैक का देख लीजिए, ये कुछ HP का सिंबल इस तरह रहेगा, और ये पेविलियन यहाँ लिखा रहेगा। अगर इसका इस टाइप से देखें तो ये ऐसा रहता है, यहाँ पे शायद विंडोज़ कौन सा 11 दिया है, विंडोज़ 11 है इसमें भी। और ये इसका कुछ इस टाइप का पीछे है, फैन वैन दिया होगा यहाँ पे। अगर इसमें बात करें हम लोग इसका, तो देखिए ये इस टाइप का दिया है, इसमें फ़ैन सिस्टम ऐसा है, थोड़ा हीवी रहता है ये, थोड़ा फैन सिस्टम इसमें थोड़ा हीवी रहता है, थोड़ा गेमिंग प्रोसेसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसमें थोड़ा हीवी देता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं साइज़ का, आप देख सकते हैं कौन ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, आपको खुद नज़र आ रहा ही होगा कौन ज़्यादा साइज़ में बड़ा है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये आसूस TUF गेमिंग का इसका प्राइसिंग की MRP जो आता है, MRP आपका अराउंड अगर हम लोग बात करें अराउंड 1,09,90 रुपीज़ का है ये आता है। तो लेकिन उतना भी नहीं मिलता, MRP में थोड़ी कोई बिकता है, MRP में नहीं बिकता है ये सब, बेसिकली थोड़ा सा डिस्काउंटेड में बिकता है। तो अभी क्या होगा कि अगर इंडिया में जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप कर रहा है, और आपका चिप्स वगैरह इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो ही रहा है। अगर और भी अगर हम इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चर चिप्स स्टार्ट हो जाएगा, टाटा वगैरह कोई अगर कोई कंपनी करेगी, तो उससे क्या होगा ना कि ये सब लैपटॉप जितने भी टेक्नोलॉजिकल लैपटॉप है, जितने टेक्नोलॉजी का सामान है जो भी आपका है, वो सारा क्या होगा कि थोड़ा चीप प्राइस में थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो इससे हम लोग का फायदा होगा, जो 80,000 में मिल रहा है वो मिलेगा 60,000 में, जो 50,000 मिल रहा है मिलेगा 30,000 में। तो इम्पोर्ट वगैरह जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा टैक्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कटता है, तो थोड़ा कॉस्टली होगा लैपटॉप का, कि कोई किसका मूवेबल चार्ज होता है, किसी का नहीं होता है। देखिए इसमें जो क्या है कि जो आपका अडेप्टर है उसके साथ एक केबल फिक्स्ड है इस लैपटॉप में, जो मैं आसूस TUF गेमिंग का, इसका एक केबल फिक्स्ड है पूरा, और काफ़ी बड़ा केबल है वो। और इसमें क्या है कि इसे मूवेबल केबल है, अडेप्टर के साथ जो कनेक्टेड है वो मूवेबल केबल आपको मिलता है इसमें, उसे फिक्स्ड मिलता है। काफ़ी दोनों में काफ़ी बड़ा केबल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा केबल मिलेगा, इसमें ज़रा सा थोड़ा सा स्लाइटली कम मिलेगा। गेमिंग का जो बॉक्स है इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको एक ऐसे मेन्यू टाइप का मिलता है, वारंटी कार्ड मेन्यू, ये सब, ये कैसे चलाना है, यूज़र गाइड क्या चलाना नहीं चलाना है, उस टाइप का मिलता है। और साथ में देख लेते हैं इस साइड आपको एक क्लीन करने के लिए मिलता है, स्क्रीन क्लीन वगैरह, बॉडी क्लीन करने के लिए मिलेगा आपको। इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है कि आप कोई कॉटन का कपड़ा ले ले, या फिर हाँ कोई ले ले पतला ऐसा कॉटन कपड़ा कोई, या फिर कॉटन ले लीजिए, उसमें क्या के लिए थोड़ा सा इसमें करके दांत निकाल लीजिए उसमें, और उसको ऐसे करके कर लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे स्लाइटली पोछिएगा। अच्छा ऐसा कपड़ा यूज़ नहीं करना है कि जिसमें पहले से कुछ, या फिर मेटल हो या फिर कोई वायर्ड हो, उससे क्या होगा कि अगर करिएगा उसमें रगड़िएगा बॉडी के ऊपर, लैपटॉप के कंप्यूटर के बॉडी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रगड़िएगा, रब करिएगा, तो क्या होगा ना कि वो स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो चार्जर की बात करते हैं कि आसूस का जो चार्जर है ये कैसा है, तो देखिए ये जो केबल है ये आपका फिक्स्ड रहता है, ये केबल जो है ये फिक्स्ड है, देखिए अडैप्टर के साथ ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है, ये निकलता नहीं है, ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है।
और ये आपका मेन पावर केबल है, वहाँ जाएगा और ये फ्यूज है, और ये जो आता है आपका लैपटॉप पे लगता है, ये वाला ये पिन जो होता है ये लैपटॉप में लगता है, ये काफ़ी बड़ा है आपका अगर दूर आपका अगर। अब बात करते हैं हम लोग एच पी पेवेलियन के बारे में, तो एच पी पेवेलियन का क्या होता है, तो देखिए ये एच पी पेवेलियन का कुछ इस टाइप का आएगा, ये एच पी पेवेलियन का है, देख सकते हैं आप ये एच पी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका पावर केबल इस टाइप का है, तो यहाँ से ये मूवेबल है कि नहीं, ये निकलता है, ये मूवेबल है ये वाला, और ये इसका मेन पावर केबल है, और ये है इस टाइप का, तो स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है कि